वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सीज़ डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मौसम की पहली बारिश है तो उस पर या भजिया या बटेटा वड़ा या कुछ तो ऐसा बनता ही है घर पे, तो मैंने पहली बारिश में आपके साथ बटेटा वड़ा की रेसिपी शेयर की है और उसके साथ मैंने 4 टाइप्स की चटनियाँ बनाई है तो उसकी भी मैंने रेसिपी शेयर की है। तो आप ज़रूर से ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, स्किप स्किप करके मत देखें। ये झटपट भी बन जाता है इजीली और इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चटनी और एक केचप तो बाहर का है, 2 चटनी मैंने घर पे बनाई है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ज़रूर से आप भी अपने घर पे ही इसको ट्राई करें और देखिए मैं इसको कैसे प्रिपेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो जितने पोटैटोस ले लिए हैं तो उसको मैंने बॉईल कर दिया है और उसके बाद मैश कर दूंगी। यहाँ पे मैंने ये धनिया पत्ती ले ली है, उसको बारीक बारीक कट कर दिया है। उसके बाद ये मैंने मटर ले लिए, उनको भी बॉईल कर दिया है। और ये कड़ी पत्ता लिया है जो हम इसमें तड़का लगा के इसमें ऐड करने वाले हैं। ये मैंने लेमन ले लिया है। यहाँ पे मैंने जो जितने मसाले इसमें जाएंगे वो निकाल के मैंने रखे हैं। तो इसमें शुगर एंड ये रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी एंड गरम मसाला एंड सॉल्ट स्वाद के अनुसार डलेगा इसमें। तो मैं दिखाती जा रही हूँ मैं क्या क्या इसमें ऐड करूँगी। पहले मैंने आलू को मैश कर दिया है अच्छे से, फिर ये जो मैंने सारे मसाले निकाल के रखे हैं तो वो मैं ऐड करने वाली हूँ। आपको अगर कुछ भी क्वेरी है कि क्या मसाला डाला, कितना डाला, तो वो मैं दिखाती तो जाती हूँ बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका थोड़ा थोड़ा भी मेजरिंग पूरा मैं उसमें मैं लिखती हूँ, तो सारा होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें मतलब कोई टेंशन वाला नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं नींबू ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने आलू के मसाले में तड़का लगाने के लिए मैंने ये रख दिया है, तो इसमें मैं राई ऐड कर दूंगी। मैंने 2 स्पून जितना ऑयल ले लिया है और 1 छोटी स्पून जितनी राई और 1/3 हींग ऐड कर दी है मैंने इसमें। और ये जो मैंने कड़ी पत्ता निकाल के रखा था उसको बारीक बारीक कट कर दिया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। बस ये गर्म हो जाए फिर हम ये मसाले में ऐड कर देंगे सारा। ये हमारा गर्म हो गया है, ये इसके ऊपर रखें। अब इसको सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दें। ये मैंने सारे मसाले को मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। अब मैं क्या करूँगी, अपने हाथ पे इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के और ये ऐसे ऐसे हम वड़ा बनाते जाएंगे, मीडियम साइज़ का, एकदम बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटू सा भी नहीं। यही वो उसमें भी जो वड़ा पाव होता है उसमें भी थोड़ा बड़ा बना के यही यूज़ होता है वड़ा। उसकी रेसिपी भी मैं आपको आपके साथ कभी शेयर करूँगी। ये देखिए ऐसे राउंड राउंड शेप के ऐसे हमें बनाते जाने हैं सारे। अब बेसन का गोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप जितना बेसन ले लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और उसके बाद इसमें रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी इसमें मैं ऐड कर दूंगी और उसके बाद पानी से इसका हम गोल बना लेंगे। और थोड़ा सा मैं इतना सा इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी, फिर मैं ये सारा गोल बना के मिक्स करके दिखा दूँ। गरम गरम खाऊंगा नहीं। ये किया तरीनम
भेजा। यहाँ पे हमारे सारे वड़ा बन के रेडी हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई करते जाएंगे। ये बैटर भी रेडी है एंड ये आलू वाले वड़ा भी रेडी है। तो अब हम इसमें ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें ऐसे हम इसको ऐड करते जाएंगे, तेल में डालते जाएंगे। थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा हल्का गर्म हो, तो इसमें डालते जाएं आप। बेसन में से, बेसन वाले बोल में से डिप करके मैं इनको धीरे धीरे डालती गई हूँ। अभी हमारे थोड़े बड़े हैं, ये हमने इसको फ्राई करने डाल दिया है। अगर बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं घर पे तो पहले से ये थोड़े कच्चे पके बना के रखें, उसके बाद इसको तभी के तभी गर्म फ्राई करते जाएं। थोड़े कच्चे पके पहले निकाल के रखें और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा इसको गर्म करें कढ़ाई में, और इसको तवे पे भी सेक सकते हैं। जैसे वड़ा पाव के लिए हम ये फ्राई करके उसके बाद हम तवे पे सेकते हैं इसको थोड़ा, तो ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरी बार फ्राई भी कर सकते हैं। अब ये फ्राई होके रेडी हो गए हैं, तो हम इनको प्लेट में ले लेंगे। यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है धनिया एंड अनियन, एक ही अनियन, छोटा अनियन डाला है उसमें, और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली एंड उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा गाठिया मेरे पास पड़ा था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। इससे थोड़ा टेस्ट निखर के आएगा और थोड़ी चटनी गाढ़ी गाढ़ी लगेगी, और इसमें नींबू ये एकदम बन जाए उसके बाद मैं इसमें नींबू ऐड करूँगी। तो ये ग्रीन चटनी का है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी बनके एकदम से रेडी हो गई है, तो अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें अभी हम ऊपर से नींबू डाल। ये देखिए हमारे बटेटा वड़ा एकदम से बनके रेडी हो गए हैं, तो आप भी ज़रूर से ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करें। ये मॉनसून सीज़न में तो बहुत सबका फेवरेट होता है, बटेटा वड़ा हो चाहे भजिया हो, सबके घर में ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। तो आप इजीली आप इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसकी रेसिपी मैंने आपके आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ये चटनी मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपके साथ शेयर की है एंड ये भी चटनी शेयर की है, बट आज भी मैंने आपको दिखाया है वीडियो में पूरा। और ये तो कैचअप है एंड ये ग्रीन चटनी बाहर मिल जाती है मार्केट में इजीली, वो है। तो ये मैंने चार चटनियों के साथ इसको सर्व किया है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी एंड लजीज होते हैं एंड आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और वड़ा पाव इसका बना के भी आप इसको खा सकते हैं। मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना टेस्टी एंड कितना मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। तो आप ज़रूर से इसको अपने घर पे ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।